हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु एंड आपका वेलकम मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई बाइक के साथ ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। जैसा कि अभी मैं हूँ एवेंजर पे, एवेंजर 150। तो जैसा कि देख सकते हो यार, मतलब आपको बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आपने ये सोच के ब्लॉग में आए होंगे कि R15 होगी, बट यहाँ पर एवेंजर दिख रही है। तो यहाँ पर मैं इसको लेके इसलिए आ गया क्योंकि भाई मैं अभी आया था तो अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्कूल, ठीक है। तो हाथ में बाइक थी ही, हेलमेट अपने पास था ही, तो मैंने कहा यार क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको भी थोड़ा नई नई बाइकें दिखाएंगे, तभी तो आपको मज़ा आएगी यार, है कि नहीं। एक ही गाड़ी दिखा दिखा के आप भी मतलब बोर हो जाओगे देख देख के। तो मैंने कहा चलो यार, अब अपने पास बाइक याली है ही है तो करते हैं ब्लॉग इससे। तो इसीलिए मैं ले कर आ चुका हूँ। और तो भाई ये रहा मिटकर और लेके आ चुके हैं। बाकी देख सकते हो कितना बढ़िया इसके हैंडलिंग पोजीशन है, मतलब क्रूज़र बाइक है ये तो आप सभी जानते हो, और कितना ही मतलब कंफर्टेबल है ये। मतलब मुझे तो ओवर कंफर्टेबल लगती है ये, क्योंकि एकदम मतलब जैसे सोफे पे नहीं बैठते हैं वैसे बैठते हैं यार हम लोग इसमें। और आपको व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा होगा मुझे पता है, और मेरे मोबाइल में दिख भी रहा है मुझे हेलमेट में से, तो पूरा हैंडल बार भी आ रहा है और सामने का व्यू भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो बस यही है यार, आपके लिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और मेरे चैनल पर बने रहो। तो कुछ यहाँ का सीन देख सकते हो, अम्बेडकर पार्क। यार ये खुला है, जा सकते हैं, मना करते हैं यार उधर जाने के लिए, अब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बिकॉज उधर पता है पुलिस का एक ऑफिस है, इस वजह से उधर मना करते हैं बाइक्स को। आप पैदल जाना चाहो पैदल चल के आओ उधर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बाइक लेके नहीं जा सकते। बाइक सिर्फ उनकी जाएगी जो वहाँ के मतलब है, मतलब ऑफिसर्स। तो काफ़ी बढ़िया मतलब मुझे फील आता है ये वाली बाइक चलाने में, कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी अपनी वाली R15 तो क्या ही बताएं कितना कंफर्टेबल है R15, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये है कि मेरे हाथ में अब वो सेट है एंड मुझे घंटा उसमें दर्द वर्द नहीं होता है। हाँ लॉन्ग ट्रिप पर मान सकते हैं कि हाँ 100 किलोमीटर पर जब कंटिन्यू बाइक चलती है 100 किलोमीटर्स, देन तो भाई हाथ क्या सब कुछ दर्द होता है। बट ऐसे अगर आपको कि नॉर्मली अगर होने लगे तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता भाई, इतना तो हाथ सहते हैं। और अभी 10:90 पे रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, ये हो गए न्यूट्रल जैसे कि इसमें लिख के आ जाता है। और ये वाली बाइक की थोड़ी अभी कंडीशन ख़राब है, थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, बाकी बाइक चलने में बहुत बढ़िया है, थोड़ा इसका इंजन प्रॉब्लम कर रहा है बाइक का, बस यही है। और एक थंबनेल बन जाए, यस 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 यामाहा, नहीं नहीं यस बजाज। भाई मैं मतलब क्या है कि बचपन जब मैंने बाइक चलाना शुरू किया था तब मैं 12 साल का था, ठीक है। तो उस टाइम मैं 12 साल का था और सबसे पहले मैंने बाइक चलाना सीखा, वो बाइक मुझे किसी ने एक्चुअल में सिखाई नहीं, मैं खुद ही अपने आप सीखा हूँ। बस मुझे पापा ने इतना बताया था कि ये गियर है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, बस भाई। गाड़ी आई स्मार्ट थी पापा के पास, हीरो की, ठीक है, हाँ हीरो की आई स्मार्ट। तो भाई लेके निकल गया, एक दो बार गिरा, मतलब एक बार बाइक से गिरा था, खड़े खड़े गिरा था, उसमें मैं मोड़ने के चक्कर में गिरा था, ऐसे कभी मैं गिरा नहीं हूँ। और एक बार मैं स्कूटी से गिर गया था चलती गाड़ी, मतलब स्कूटी पे, तो वाला एक्सीडेंट हुआ था वो तगड़ा था, बट ये हुआ था कि चोट भाई सिर्फ पैर में आई थी और थोड़ा बहुत हाथ वाथ छिले थे बस। और उसके बाद मैंने आई स्मार्ट बहुत चलाई है, रवा कर दिया उसको, फिर उसके बाद ये वाली एवेंजर है इसको भी बहुत रवा किया है, और कमल मामा की अपाचे उसको बहुत रवा किया है भाई। तो मतलब ये तीन गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ही रवा करी हैं,
तो गाइस आज है डे टू और एवेंजर के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, वो मैंने कल बनाया था। और अभी देख सकते हो क्या ही सीन हो गया, मतलब अभी शाम का टाइम हो रहा है 6:15 और हम लोग निकले थे जनेश्वर के लिए अपने घर से। तो हम लोग के घर के साइड बारिश एकदम मतलब ना के बराबर हो रही थी और जैसे ही पुल क्रॉस किया भाई इतनी झंझनातेदार बारिश हो रही है कि देख सकते हो ये क्या ही हाल है। और ये देखो मतलब हालत ख़राब हो गई है। और ये अंशुमान है मेरे पीछे और दानिश आ रहा है पीछे से, तो भाई भीग चुके हैं आधा, हम लोग भीग गए हैं और अभी पेड़ के नीचे थोड़ा रुक गए थे यार, हालत ख़राब है। अंशुमान पीछे मुड़ो, ज़रा पीछे मुड़ो, इधर आओ। हैं ऐसे नहीं दिख रहा है भाई, देख लो यहाँ पे वो लगा नहीं है अपने साड़ी गार्ड और वो मतलब उस वजह से कीचड़ जो है पीछे वाले के आती है बहुत तेज, तो देख ही रहो यार। कहाँ पे आ गया दानिश, आता होगा भाई, तो आ गया दानिश भी, ये देखो ये जा रहा है। चलो चलो निकलने दो। तो आज आपको रेन व्लॉग देंगे, रेन व्लॉग। और ये देखो मतलब, और भाई हैं क्या कर सकते हैं यार, बारिश होने लगी, उधर अपनी साइड नहीं हो रही थी यार, इधर अब आगे जाके पुल के नीचे रोकेंगे बिकॉज बहुत तेज़ हो रही है और उधर भी हम लोग बच नहीं रहे थे। देख रहे हो पूरा गीला है यार, झंझनाटेदार बारिश है एकदम तेज वाली, तो जल्दी से अब पुल के नीचे रोकते हैं उधर आगे वाले पे। बारिश के मजे लेते हुए वैम्पायर एंड पांडा रुक गई, अबे रुक गई, चलो कम से कम बारिश तो रुकी एटलीस्ट। लेकिन रोड देख लो कितनी गीली है, मतलब समझ रहे हो ठंडियों में बारिश के मजे दे रहे हैं आपको हम। तो भाई अभी फिलहाल आ गए हैं गेट नंबर 4 के बाहर यादव की स्टॉल और चाय वाय पीते हैं भाई। और फिलहाल देख सकते हो क्या ही मतलब हालत है, अब मुझे लगवाना पड़ेगा, वैसे बारिश अब होगी नहीं, टायर धुल चुकी अच्छी से। तो गाइस ये देख सकते हो अभी फिलहाल मतलब बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई, तो मैं धुलवाने के लिए लेके आ चुका हूँ, तो अभी धुलवाते हैं यहाँ पे। और एकदम ठंडी में भाई क्या ही हालत हो रही होगी, तो मतलब धुलवाते हो फिर आपको मिलते हैं। बाइक धुल के आ चुकी है और क्या ही शाइन कर रही है देख सकते हो, मतलब अब लग रहा है यहाँ वो पहले बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी बिकॉज कल बारिश वारिश हुई थी, तो पूरा यहाँ पे भी गंदा था और ये सब पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई थी, कीचड़ लग गया था बहुत तगड़ा वाला, तो अभी सब क्लियर हो गया तो अब अच्छा लग रहा है, देखो चमक रही बाइक।